Hey guys, all my friends and fans out there, I need your help today because what I'm going to share with you is very important. मैं जो चीज़ आपके साथ इस वक्त शेयर करने जा रही हूँ आपको उसे ध्यान से सुनना है. मेरे से गलती हो गई थी कुछ समय पहले. मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक जो मैनेज कर रहे थे जो टीम, उन्हें खुद भी नहीं पता था. एक कोलैब जो है मैंने उन्हें बोला था चेक करने के लिए और बताने के लिए. सो दे डिड नॉट सी द क्रेडेंशियल्स ऑफ द पर्सन और उन्होंने कहा कि ये एक शेयर मार्केट का एक कोलैब है, आपको ये कोलैब करना है. रिचेस तनिषा नाम का एक प्रोफाइल है एंड शी वांट्स, उसके लिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने बनाया और उन्होंने मेरे साथ वीडियो भी शेयर की. तो मैंने वो इन्फ्लुएंसर्स से वीडियो देखी एंड आई सेड कि ठीक है मैं भी बना देती हूँ. एंड आई मेड अ वीडियो फॉर रिचेस तनिषा नाम का एक आईडी जो इंस्टाग्राम आईडी है. नाउ आई हैव शेयर्ड डिस्क्लेमर्स आफ्टर दैट. मैंने उसकी वीडियो निकाल दी बिकॉज शी इज़ अ फ्रॉड, शी और ही व्हेवर इट इज़. वो जो आईडी है वो फ्रॉड आईडी है और मैंने उनके जो वीडियो मैंने बनाया था मैंने सब जगह से वो वीडियो निकाल दिया. मैंने 3 डिस्क्लेमर्स डाले उसके अगेंस्ट और सबके डेट्स भी है. वो डिस्क्लेमर मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि कोई भी मेरे प्रोफाइल पे आए तो दे विल नो कि यू आर नॉट सपोज टू इन्वेस्ट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन. क्योंकि इसने मेरी एक क्लोज फ्रेंड को चीट किया, उसने भी वीडियो डेफिनेटली सारे सेलिब्रिटीज़ के वीडियो देखे. और अभी एक और कंप्लेन आया है कि उसने किसी और को भी चीट किया और वो मेरा वीडियो दिखा रही है बिकॉज उसने मेरे वीडियो को डाउनलोड कर दिया. अब वो जो उसके पास डाउनलोडेड वीडियो है वो तो मैं वहाँ से निकाल नहीं पा रही हूँ. सो द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज़ कि उसका आईडी शट किया जाए, बैन किया जाए, ब्लॉक किया जाए बाय इंस्टाग्राम. एंड इंस्टाग्राम इफ़ इट डज़ नॉट टेक एक्शन, क्योंकि हमने कंप्लेन किया है. मैं सारी चीज़ें अभी शेयर कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ मैंने एडिट में डाली भी है चीज़ें जो उसने मेरे फ्रेंड के साथ किया है, फिर किसी और के साथ भी किया है यूजिंग माई नेम एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स नेम. तो इंस्टाग्राम हैज़ टू टेक एक्शन बिकॉज अदरवाइज इंस्टाग्राम ऑल्सो बिकम्स अ पार्टी टू दिस थिंग. बिकॉज आई हैव कम्प्लीटली clearly said ke I have nothing to do with this lady, it's a mistake that I spoke about her or whoever it is, this ID, but this ID is a fraud and you're not supposed to invest seeing my video or anybody else's video and invest in this particular ID. And main public interest mein ye bol rahi hu, mera to chhodo aur ya kisi influencer ka chhodo, koi bhi Instagram pe na investment aapko aise hi videos dekh ke nahi karni chahiye. इनफैक्ट यू पूरा चित्ता पता करके एंड यू शुड बी इन्वेस्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स, प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि वेरीफाइड प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट से वेरीफाइड एंड ऑन. ओनली इन्वेस्ट ओवर देयर, डोंट इन्वेस्ट विद इंडिविजुअल्स एट ऑल. मैं खुद भी चीट हो चुकी हूँ. स्वास्थिका नाम के एक जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म होने के बावजूद आई हैव लॉस्ट मनी ओवर देयर बिकॉज इन द बिगनिंग आई डिड नॉट नो हाउ द शेयर मार्केट वर्क्स. एंड मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया था, बहुत सारे प्रोमिसज किए थे, आई लॉस्ट मनी ओवर देयर. सो यू नेवर नो अबाउट दीज थिंग्स, यू नो, एंड यू शुड नेवर नेवर विदाउट थिंकिंग, जाँच पड़ताल करने के बगैर प्लीज़ कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिए. और हम एक्ट, मैं या कोई और भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम आपको क्लियरली पहले भी बता चुके हैं और अब भी बता रहे हैं. अगर आप किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देख के कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उस सेलिब्रिटी के प्रोफाइल पे तो जाओ और वहाँ देखो उस सेलिब्रिटी ने कुछ कहा है क्या उस चीज़ के बारे में. क्या वो वीडियो सेलिब्रिटी के किसी भी जगह पर है? क्या वो सेलिब्रिटी उस चीज़ को अभी इंडोर्स कर रही है? क्या उसके अगेंस्ट उसने कुछ बोला है? तो मैंने डिस्क्लेमर्स बहुत क्लियरली डाल दिए थे लेकिन आई थिंक कुछ लोगों ने उसे देखा ही नहीं है. वो ब्लाइंडली बस जाके सुन रहे हैं ऐसे लोगों की बात. मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी हेल्प करें, आई नीड योर हेल्प. एंड अब समय है कि आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटी या इफ़ यू रियली टेक मी हैज अ फ्रेंड, यू हैव गॉट टू स्टैंड विथ मी. और आप सबको अपने प्रोफाइल के जरिए इंस्टाग्राम में इस रिचेस तनिषा कि आईडी के खिलाफ बोलना है. जितनी संख्या में आवाज़ होगी उतनी जल्द इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. एवरीबडी हैज़ टू गेट टुगेदर एंड ऑल्सो शेयर माई दिस वीडियो हैज मच एज पॉसिबल अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर फ्रॉड पर्सन कॉल्ड रिचेस तनिषा, प्लीज. बिकॉज ये क्या करती है या करता है, ये अलग अलग आईडी से लोगों से पैसे लेते हैं. हैज़ आई एम शेयरिंग इट हियर,
पहले किसी और आईडी से मेरी फ्रेंड से पैसे लिए थे, अब किसी और आईडी से शी इज टेकिंग मनी फ्रॉम somebody else also. So she uses different IDs. इनका कोई एक बैंक अकाउंट नहीं है, कोई एक बैंक ये नहीं है, different IDs. So I'm requesting all of you, एक तो not only this richest Tanisha, कोई भी ऐसे नाम के वेग नाम के लोगों के साथ please invest मत कीजिए. Secondly, please see the disclaimers. अगर एक आर्टिस्ट को देखकर आप बोल रहे हो कि मुझे invest करना चाहिए, then go and see the profile of that actor. And thirdly, please help me to put a stop to this particular ID. क्योंकि इसके पास जो वीडियो है वो तो मैं निकाल नहीं पाऊंगी. अगर इसका रिचेस तनिषा का प्रोफाइल ही बंद हो जाता है तो then she will not be able to use anybody's video. So it's a request. Thank you.